मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी परंपरागत सीट बुधनी से पर्चा भरा है। इस दौरान शिवराज सिंह ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। चुनावी हलफनामे के अनुसार शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह की कुल संपत्ति 9 करोड़ रुपए है। वहीं खुद सीएम शिवराज के पास 8.63 करोड़ रुपए हैं। वहीं 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह की संपत्ति 58.14 लाख रुपए थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास कोई कार नहीं है। उनके पास एक 5500 रुपए का रिवॉल्वर है। इसके अलावा 96 ग्राम सोना जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है। वहीं करीब 3.50 लाख रुपए का घरेलू सामान है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की वित्त वर्ष 2018-19 में कुल आय 29,28,884 रुपए थी। वहीं वित्त वर्ष 2022-2023 में उनकी आय 32,63,573 रुपए हो गई। इसके अलावा साधना सिंह की 2018-19 में कुल आय 30,13,632 रुपए थी और वित्त वर्ष 2022-2023 में उनकी आय 46,08,859 रुपए हो गई। अगर हम कृषि भूमि आवासीय भवनों की बात करें तो उसमें भी शिवराज सिंह अपनी पत्नी से पीछे हैं। शिवराज सिंह के पास इस तरह की 2,10,60,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 4,32,00,000 रुपए की संपत्ति है। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के पास एक एम्बेसडर कार भी है। साथ ही उनके पास 535 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 34,00,000 रुपए है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने 19 साल पहले 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय उनकी कुल संपत्ति 58.14 लाख रुपए थी। शिवराज सिंह चौहान 2005 में सीएम बने, जिसके बाद उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में उनके पास 58.14 लाख रुपए की संपत्ति थी, जो 2008 के विधानसभा चुनाव में 1.23 करोड़ रुपए हो गई। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में उनकी संपत्ति 6.27 करोड़ रुपए थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह की संपत्ति 7.66 करोड़ रुपए हुई। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी संपत्ति 8.63 करोड़ रुपए है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।